हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती चौहान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर नाइन्थ क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 25 एंड द डेट ऑफ दिस वर्कशीट इज 1 सितंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी इस वर्कशीट में जो आया है पैसेज आया है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, और ये आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है मूवमेंट्स, उसका सेकेंड चैप्टर है। तो सेकेंड चैप्टर है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हम इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ निकालेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द पैसेज। द एडवेंचर ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। जो एडवेंचर ऑफ टोटो जो आपका चैप्टर है, ये किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड है इसके राइटर। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। जो ऑथर के ग्रैंडफादर थे, उन्हें एनिमल्स का बहुत शौक था। He had his private zoo in which he kept a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and a goat. और ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे, उन्हें एनिमल्स का शौक था। उन्होंने अपना एक प्राइवेट जू, मतलब अपना पर्सनल जू रख रखा था, जिसमें वो एक टोर्टराइज रखते थे, एक कछुआ, एक रैबिट्स का पेयर रखते थे, एक स्क्वेरल थी उनके पास और एक गोट, मतलब एक बकरी। स्क्वेरल होती है गिलहरी और गोट बकरी। वंस ही बोट टोटो, और जब एक बार उन्होंने टोटो को ख़रीदा, अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा डाइवर फॉर 5 रुपीज़। जो एक क्या था? बेबी मंकी, एक मंकी का बच्चा था, और उन्होंने किससे ख़रीदा था? टोंगा ड्राइवर, एक तांगे चलाने वाला था, उससे उन्होंने 5 रुपये में ख़रीदा था। आपको लग रहा होगा बस 5 रुपये, क्योंकि ये पुरानी बात है, ये इंडिया की ही बात है। रस्किन बॉन्ड इंडियन राइटर ही हैं, तो वो बता रहे हैं कि तांगे वाले से 5 रुपये में ख़रीदा था उनके दादाजी ने। ही वॉज अ प्रीटी मंकी बट वेरी नोटी एंड डिस्टर्बिंग। वैसे तो वो बहुत सुंदर मंकी था, लेकिन वो नोटी था, शैतान था और डिस्टर्बिंग और परेशान करने वाला था। ठीक है। ऑथर ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेन एवर ग्रैंडफादर बोट सम न्यू एनिमल और बर्ड। और जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी, वो हमेशा लड़ा करती थी दादाजी से, जब भी वो एक नया एनिमल, नया जानवर या पक्षी लेके आते थे। मतलब ग्रैंडफादर तो को तो एनिमल्स का शौक था, लेकिन जो ग्रैंड मदर हैं, वो उनसे नाराज हुआ करती थी, उन्हें वो अच्छा नहीं लगा करता था। फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से टोटोज अराइवल वॉज कैप्ट अ सीक्रेट। टोटो का जो आना था, वो एक सीक्रेट रखा गया, मतलब वो चुपचाप तरीके से रखा गया, उसको बताया नहीं गया। वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून। एक दिन जो उसके दादाजी थे, उनको देहरादून जाना था फॉर सम वर्क, सो ही टुक टोटो अलोंग इन अ कैनवास किट बैग। इसलिए उन्होंने क्या किया, टोटो को अपने साथ लेकर गए और उसको किस चीज़ में, कैनवास की एक किट बनाई, एक बैग बनाया, उसके अंदर रख के लेके गए। ऑन द वे ही पॉक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग। और रास्ते में उन्होंने क्या करा, अपना बैग से अपना सिर बाहर निकाल लिया। किसने, किसको बंद कर रखा था कैनवास बैग में? बेबी मंकी को। तो उस मंकी ने अपना सिर, पॉक होता है, बाहर निकाल लिया। एंड कम टू द नोटिस द टिकट कलेक्टर, और टिकट जो कलेक्टर था उसके नोटिस में आ गया, उसने उस पर ध्यान दे दिया। देयरफॉर ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज़ एज अ फाइन। इस वजह से जो ग्रैंडफादर थे, उनको 3 रुपये ज़्यादा पे करने पड़े एक फ़ाइन के रूप में, क्योंकि उस टाइम 3 रुपये की भी तो वैल्यू होगी जब 5 रुपये का बंदर आ जाता है, तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े बिकॉज ऑफ द नोटिनेस ऑफ मंकी। When Toto was finally accepted in the home, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को, अभी आगे की बात हो रही है, जब उसको घर में स्वीकार कर लिया गया, accepted मतलब स्वीकार कर लिया, उसकी दादी को भी पता चल गया, उसे एक कम्फर्टेबल, आरामदायक घर दिया गया स्टेबल, अस्तबल में। देयर ही कैप्ट ट्रबलिंग नाना द फैमिली डंकी। जहाँ पे उनका जो क्या परेशान करने वाला नाना था, और जो उनका परिवार का डंकी था, मतलब दादाजी को शौक था तो बहुत सारी चीज़ थी उनके यहाँ पे, तो वो नाना भी तक था, उसके साथ ही मंकी को रख दिया गया। ही एन्जॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग। और वो जो कोल्ड विंटर इवनिंग होती हैं, जो शाम को जो सर्दी होती थी, सर्दियों में वो
गर्म पानी से नहाने को बड़ा एंजॉय करता था। कौन? जो, ये मंकी की बात हो रही है, टोटो की बात हो रही है। टोटो बहुत एंजॉय करता था। Whenever he went to take bath, he checked the temperature of water first, then took bath. जब भी वो नहाने के लिए जाता था, वो पहले चेक करता था टेम्परेचर वाटर का कितना है, कितना तापमान है, फिर क्या करता था, नहाता था। As he had seen grandfather doing so, जैसे कि उसने grandfather को ऐसे करते हुए देखा था। He was always up to some or the other mischief, वो हमेशा इस तरीके के दूसरे भी मिसचीव करता रहता था, मतलब ऐसी सितानियाँ और करता रहता था। जैसे ही टो द कर्टेंस, उसने कर्टेंस फाड़ दिए। कर्टेंस क्या होते हैं? पर्दे। क्लोथ्स फाड़ दिए, वॉलपेपर्स फाड़ दिए, ब्रोक द डिशेस और बर्तन भी तोड़ दिए। टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो इस तरीके का पालतू नहीं था, दे कुड केयर फॉर लॉन्ग, कि उसको वो ज़्यादा टाइम तक रख सकें। Finally, grandfather returned him to the Tonga driver for 3 rupees. और अंततः जो उसके grandfather थे रस्किन बॉन्ड के, उन्होंने क्या करा, उसे टोंगा ड्राइवर को, जो तांगे वाला, जो तांगे चलाने वाला था, उसको 3 रुपये में वापस भेज दिया। खरीदा था 5 रुपये में, लॉस से भेज दिया 3 रुपये में। ठीक है, ये था हमारा पैसेज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं इसके MCQs। और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपने पढ़ा है ना, तो मेरी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, सब कुछ आप कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन अबाउट पैसेज, इसको पढ़ना और आंसर देने हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर टोटो, बताओ एडवेंचर टोटो का ऑथर कौन था। यस, वेरी नाइस, अगर आपने पढ़ा है तो रस्किन बॉन्ड थे, आपको पता ही चल गया। टोटो वॉज प्रिटी मंकी बिकॉज ही वॉज अट्रैक्टिव, ही हैड ब्राइट आइज, ही हैड प्रिटी वाइट टीथ, ऑल ऑफ दिस। तो अगर इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे ठीक से, तो हमें पता चलेगा वो अट्रैक्टिव भी था, उसकी ब्राइट आइज भी थी, और उसके मोती जैसे दांत भी थे। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपकी वीडियोस भी बनाती हूँ आपके इंग्लिश की, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके और पढ़ सकते हैं। ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू डैश इन ए डैश, ग्रैंडफादर ने टोटो को कहाँ पे लेके गए थे, देहरादून लेके गए थे, और किस में, कैनवास बैग में। अरे वाह, आप तो इंटेलिजेंट हो गए, जल्दी आंसर बता रहे हो। व्हेन टोटो गॉट एक्सेप्टेड, ही वॉज प्लेस्ड अलोंग विद नाना द फैमिली डंकी इन अ, और जब टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया परिवार में और उसके नाना के साथ रख दिया गया, फैमिली डंकी तो जो था कहाँ पे, स्टेबल में। यस, स्टेबल में रखा गया था। टोटो ऑलवेज डैश द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ही वेंट टू टेक बाथ, टोटो हमेशा क्या करता था, टेम्परेचर को चेक कर लेता था। तो इसमें चेक आएगा क्योंकि पुरानी बात है ना, चेकिंग होता जो अभी कर रहे हैं, चेक्स करता था, इसको भी कर सकते हो आप, और नन ऑफ दीज तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो टोटो ऑलवेज चेक, टोटो क्या करता था, हमेशा चेक कर लेता था। व्हाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, क्यों ग्रैंडफादर ने टोटो को तांगा चलाने वाले को वापस दे दिया था। They are not well to do. Toto broke dishes. Toto tore curtains, clothes. हाँ, सारी चीज़ें तो की थी। तो इसका मतलब, इसका आंसर हो जाएगा all of these. Okay बच्चों, चले नेक्स्ट देखते हैं। H, what would you have done with Toto if you are in place of grandfather? आप टोटो के साथ क्या करते अगर आप दादाजी के जगह पे होते। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसको जू में भेज देती अगर मुझसे नहीं संभाला जाता, कि ना तो मैं उसको अपने पास रखती ना उसको बेचती, और ऐसा भी नहीं है कि कभी खरीदती नहीं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आ जाता मेरे पास तो मैं उसको जू में भेज देती, क्योंकि जू में अच्छे से रखते हैं, प्रिजर्व करके उनका ध्यान रखा जाता है। आप अपनी चॉइस से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, मैं इसको करूँगी। अच्छा, आई में है टोटो बहुत मिस्चीवियस मंकी था, बहुत शैतानी करता था, बहुत शरारती था। बट देन शुड वी शैल लीव द एनिमल्स इफ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, इज इट इथिकल टू डू सो। तो कह रहे हैं टोटो बहुत मिस्चीवियस था, लेकिन हमें क्या उनको सेल कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए एनिमल्स को, उनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसा करना इथिकल है? तो मुझे ये इथिकल नहीं है, इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए क्या किया है ना, सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी लिख दिया है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप यहाँ से इसको देख लेते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन ए का आंसर, 3 रस्किन बॉन्ड, बी का 4 वाला, आपका ऑल ऑफ
अब ऑल ऑफ दीज सी का जो फोर्थ ऑप्शन है देहरादून कैनवस बैग, डी का आंसर है 3 स्टेबल, ये आपको काटना है। ई का आंसर होके जाएगा चेक्ड और एफ का आंसर है ऑल ऑफ दीज, जी का आंसर आएगा लॉन्ग और एच का आएगा क्या सेंट हिम इन अ जू और आई का आंसर आएगा नो। ठीक है, आई का आंसर 1 आएगा नो। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी आज की आपकी वर्कशीट के सोल्यूशन। अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 20 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। थैंक यू।